नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। अंबाला में बैठकर विदेशों में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले बड़े गिरोह का अंबाला एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि अंबाला के एक मैरिज पैलेस में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो मैरिज पैलेस से गिरोह के सरगना सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार करने में एसटीएफ को सफलता मिली है। एसटीएफ ने देर शाम इन लोगों को कोर्ट में पेश किया और क्या कुछ ये पूरा मामला है दिखाते हैं आपको। विदेशों में अमेजोन स्क्रैच कार्ड ठगी और ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह का अंबाला में भंडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला में एसटीएफ ने एक मैरिज पैलेस में छापेमारी की तो मौके से फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ ने मैरिज पैलेस में छापेमारी की तो मौके से 125 से अधिक युवक युवतियां और लगभग 200 कंप्यूटर्स का सेटअप लगा मिला, जिसके बाद एसटीएफ ने मौके पर छानबीन शुरू की तो ठगों के गिरोह के सरगना सहित रातों रात एसटीएफ ने गुरुग्राम से भी गिरोह के संचालकों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसटीएफ इंचार्ज ने बताया कि सरगना के आदेशों पर कॉल सेंटर में युवक युवतियां विदेशों में बैठे लोगों के अमेजोन अकाउंट हैक करके उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। एसटीएफ की शुरुआती जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ये गिरोह लॉ इन्फोर्समेंट फ्लोरिडा सर्विस सिस्टम के अधिकारी बनकर भी लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। क्या कुछ सूचना थी, क्या कर रही थी? ये हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर हमने ये कार्रवाई वहाँ पर की है। वहाँ से कुछ इनपुट आए थे, फिर हमारे पास कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी थी और हमने रात के टाइम वहाँ पर इस सूचना के आधार पर घूंघट पैलेस इशार रोड पे जो पड़ता है उस पर एक रेड की और वहाँ पर जो पता चला वहाँ जाकर, जैसे हमारे पास सूचना थी अभी दो व्यक्ति के महसूल गुरुग्राम का रहने वाला और एक कमल है पंचकूला का रहने वाला अवैध कॉल सेंटर वहाँ चला रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से ये गोरधंधा वहाँ पर चल रहा था, तो जिसको वहाँ पर हमने रेड करके उनको वहाँ पर काफ़ी आदमी कॉल सेंटर के अंदर मिले। करीब 125 के करीब युवक और युवतियाँ वहाँ पर थी तो उनसे भी पूछताछ की गई और जो इसके मेन सरगना थे वहाँ पर, जो इसके संचालक थे 8 आदमी, हमने उनको वहीं से राउंड अप किया और एक और इनका मेन आदमी जो माई नेम था वो भी, उसको भी गुरुग्राम से हमारी टीम ने रात को ही सुबह तक उसको भी काबू कर लिया था। सर, किस तरह की गतिविधि चल रही थी वहाँ पर? गतिविधियाँ तो क्या, लड़के वहाँ पर जो उनके करीब 200 के करीब कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, सेटअप लगा हुआ है, उन पे लड़के लड़कियाँ बैठे हैं और उनकी डायरेक्शन पे जो उसके सरगना है, जैसे उनको कहते हैं जो भी कॉल वो बाहर बूस्ट करते हैं उससे आते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए उनको बोलते हैं, वो उस तरीके से उसको ऑपरेट करते रहते हैं। तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट मिली थी कि ठगी हो रही है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला था। हमारे पास ये सोर्सेज थे, अभी यहाँ पर अवैध कॉल सेंटर चला रखा है जिसके आधार पर ये रेड की गई। कितने लोगों को आज हिरासत में लिया? आज 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश करने के लिए गए। एसटीएफ की शुरुआती जांच में ये भी पता लगा है कि ये गिरोह विदेशों में लोगों को अमेजोन स्क्रैच कार्ड खरीदने की बात कहकर उनसे उनके अकाउंट की जानकारी लेते थे और ठगी को अंजाम देते थे। फिलहाल इस मामले में गिरोह के मुख्य 9 संचालकों को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया और उनका 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। ये लोग अमेजन अकाउंट से यूएसए में वो उससे ठगी करते थे, उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, जैसे कि भी आपके अकाउंट से इतने डॉलर कट गए हैं अमेजन अकाउंट से और आप अपना वोचर खरीदो यानी हम इसको बंद कर देंगे, जैसे कि अमेजन रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं और या लॉ इन्फोर्समेंट फ्लोरिडा सर्विस सिस्टम्स के हम अधिकारी बोल रहे हैं तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे, आप अपना दोबारा इसमें ये 150 रुपया का वोचर खरीदो। तो उसे वोचर वो खरीदवाते थे, वो वोचर वो जब खरीद लेता था उससे उसी का स्क्रैच करके वो नंबर ले लेते थे, कार्ड नंबर ले लेते थे और उसको हैक कर लेते थे पूरे सिस्टम को, जो उनका पैसा था उनके अकाउंट में चलाता था। कोई कंप्लेंट भी विदेश से? कोई कंप्लेंट भी नहीं, अभी कोई विदेश से कंप्लेंट नहीं आई, तो इस लेवल पर हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। हम जैसे भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके माध्यम से जैसे हम जानकारी मिलेगी उसमें वहाँ भी ये कार्रवाई करेंगे। ये जनवरी से शुरू हुआ था। एसटीएफ ने मैरिज पैलेस में छापेमारी की तो एसटीएफ को मौके पर लगभग 200 कंप्यूटर्स का सेटअप लगा मिला, जिन पर 125 के करीब युवक युवतियां काम भी कर रहे थे।
ऐसे में इस सेटअप को देखकर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग किसी छोटे स्तर पर नहीं बल्कि एक बड़े स्तर पर ठगी के गिरोह को चला रहे थे। फिलहाल एसटीएफ ने इन लोगों की जांच पड़ताल शुरू कर दी और फिलहाल इन लोगों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये लोग किन किन देशों में लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, सीपैप और बाईपैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम, समृद्ध समाज से भी लोग आगे आए और दिए गए नंबर 9315348688 पर संपर्क करें।